नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से इस कोरोना महामारी में हर कोई रूबरू हो गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा बार बार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की गला फाड़ प्रचार किया जा रहा है, लेकिन धरातल में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाली के आंकड़े शून्य से भी नीचे पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार के बेस चिकित्सालय की जहां पर 300 बेड हॉस्पिटल होने की बात हमेशा से होती आ रही है, लेकिन धरातल में अस्पताल 300 बेड से कोसों दूर है। बेस अस्पताल के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि मरीजों को बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। मरीजों को अपनी सांसें जिंदा रखने के लिए कोनों में फर्श का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे मरीजों में संक्रमण का खतरा अधिक बना रहता है। इस समय आज की जो स्थिति है, इस समय हमारे पास आपके टोटल 70 बेड हैं, जो कि नॉन कोविड वाले 70 बेड हैं, जहाँ सस्पेक्टेड केसेज हैं हमारे। उन सस्पेक्टेड केसेज में 16 पेशेंट्स ऑक्सीजन सिलेंडर पे हैं और आपके 35 पेशेंट्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे हैं। हमने ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन सिलेंडर इमरजेंसी में भी उपलब्ध करा रखे हैं। ऊपर से जब मरीज शिफ्ट होंगे या डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि मरीज थोड़ा जाने में टाइम ले रहा है, नहीं जा रहा है तुरंत, थोड़ा सेचुरेशन लेवल ठीक आने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो जब तक वो बेड खाली नहीं करेगा तब तक हम नीचे से ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस भी स्थिति में है, हम उसको ऑक्सीजन और जो सेवाएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं। कालसी ब्लॉक के दातनु गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जांच न कराने को लेकर गांव के जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि प्रशासन के कुछ लोग हमारे गांव को बदनाम कर रहे हैं। आज जब दातनु गांव में राजस्व विभाग की टीम पहुंची तो सभी गांव वालों ने जांच कराने का आश्वासन राजस्व टीम को दिया। कल स्वास्थ्य विभाग की टीम दातनु गांव में लोगों की जांच करने जाएगी। ये मामला एक्चुअली सीएमओ ऑफिस से आदेश थे कि मेरी ग्राम सभा के अंतर्गत ग्राम दातनु में बहुत से लोगों की तबीयतें खराब है, इस तरह की सूचना थी। और फिर सीएमओ कार्यालय से आदेश थे कि दातनु में जाकर टेस्ट कराया जाए। फिर एक स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी 3 तारीख को दातनु गांव में। फिर किसी भी गांव वालों ने उस दिन टेस्ट नहीं करवाया था। एक्चुअली उस दिन शादी का माहौल था, मेहंदी थी, गांव में फंक्शन था, तो किसी ने टेस्टिंग उस टाइम नहीं कराई थी। और हमने भी उस टाइम यही जोर दिया था कि भाई शादी के बाद टेस्टिंग करा लेंगे। तो उसके बाद टेस्टिंग टीम आज आई थी, बल्कि राजस्व विभाग की टीम। तो सभी गाँव वालों ने ये कहा है कि हम लोग टेस्ट कराने के लिए तैयार है, आप राजस्व विभाग में कल टीम भेजेगी और टेस्ट कराएंगे कल। ये कल पेपर में दिया होगा कि दातनु गांव जो है ना बहुत ज़्यादा कोरोना के चपेट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ के लोग लगभग, मुझे जहाँ तक पता है, पूरे स्वस्थ, पहले कुछ दिन पहले तो थे कुछ लोग बीमार, लेकिन वर्तमान में सारे लोग ठीक है। और हमने इनको, पटवारी जी अगरा को भी बोला है कि भाई जो भी आपकी स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है आप भेजो, सब लोग टेस्ट कराने के लिए रेडी है। लेकिन आप इतना ज़्यादा एलिगेशन ना लगा कि मैं एसडीएम साहब को भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के प्रशासन को भी, सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि भाई हमारा जौनसार बाबर इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए आपने कौन सी सुविधा हमें उपलब्ध करा रखी। यदि इस टाइप के मामले कोरोना के बहुत ज़्यादा आ गए जिस तरीके से चल रहा है वर्तमान समय में, तो कहीं आपकी है ही नहीं कहीं कि भाई कोई इमरजेंसी सेवा हो, कोई यहाँ ऑक्सीजन स्टॉक करी हुई हो, कहीं यहाँ बेडों की सुविधा है। हमारा लगभग 150-200 किलोमीटर का क्षेत्र फैला हुआ है, जितने को आदमी त्यूनी से देहरादून पहुँचेगा वो तो ऐसे ही उसकी डेथ हो जाएगी। यहाँ की भी यही व्यवस्था है और सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। स्कूल हमारे पे उपलब्ध है, यदि बेडिंग करनी चाहे तो सारी जगह बेडिंग, 20-20 बेडिंग जो है ना प्रत्येक खत में या 4-4 खतों के बीच में सेंटर में बेड की सुविधा आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा नहीं, यही चाहे हमारा कोई राजनीतिक से मैं हूँ या कोई और है, तो इस टाइप की सुविधा मुझे लगा है ना, तो विधायक जी ये पहल कर रहे हैं कि भाई क्षेत्र में बिल्कुल यहाँ के जनता को मरने के लिए छोड़ रखा। अभी किट देने की बात कर रहे थे कि भाई किट में भी उनका क्या सामान है, कोई पूर्ण रूप से जो होना चाहिए एक मरीज के लिए उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, उसको जो है ना किस चीज़ की ज़रूरत कैसी है। यदि यहाँ हम लोग सैया में एक सीटी स्कैन के लिए बोलेंगे कि भाई यदि आदमी के फेफड़ों में चला गया कोरोना या कहीं और चला गया, तो यहाँ तो कोई एक ना एक्सरे ना सीटी स्कैन ना, तो क्या सुविधा है। कल इनकी बात हो रही थी कि भाई हम लोग जो है ना दातनु गाँव को जो है ना सीज करेंगे। अरे सीज तो तब करेंगे ना आप, यदि आपने यहाँ के लिए कोई सुविधा दी हो। हम लोग बिल्कुल आओ, अब टेस्ट कराएं, हमारी ओर से कोई मना ही नहीं है। उत्तराखंड सरकार द्वारा देहरादून जनपद के विकास नगर में आज आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज में 18 से 44 वर्ष की आयु वाले लोगों को कोविड टीकाकरण किया गया।
कोविड टीकाकरण का शुभारंभ विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा किया गया। 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को लगने वाला कोविड का पहला टीका विकासनगर की पूजा ध्यानी को लगाया गया। 18+45 एज ब्रैकेट में जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसका शुभारंभ हुआ। थोड़ा सा हमें समझने की भी जरूरत है, वैक्सीनेशन हम जैसे मैं इस विधानसभा की बात करूं, इस ब्लॉक की बात करूं तो और जगह भी करा रहे हैं हम। सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन करा रहे हैं, डाक पत्थर वैक्सीनेशन करा रहे हैं, पश्चिम वाला वैक्सीनेशन करा रहे हैं, रुद्रपुर वैक्सीनेशन करा रहे हैं और हरपटपुर में वैक्सीनेशन करा रहे हैं। इतने वैक्सीनेशन सेंटर हैं, लेकिन वो वैक्सीनेशन वो है जो भारत सरकार द्वारा देशव्यापी कराया जा रहा है। ये जो 18+45 वाला है, ये वैक्सीन राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने खुद वैक्सीन को लेकर के उसका वैक्सीनेशन प्रारंभ कराया है। ये देश में सब जगह नहीं प्रारंभ हुआ, ठीक है, और उसमें भी उत्तराखंड में भी सब जगह नहीं हो पाया। उत्तराखंड में भी मैंने आग्रह किया कि विकासनगर चूंकि पचवादून क्षेत्र में और देहरादून में संक्रमण का दर काफ़ी है, सर्वाधिक केसेज देहरादून जिले से आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि पहले दिन ही एक वैक्सीनेशन सेंटर 18+ के लिए विकासनगर में जरूर प्रारंभ कराया जाए। वो आज शुरू किया गया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का आभार प्रकट करता हूँ। जितनी तेजी के साथ देशभर में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, सरकार भी संक्रमण को रोकने के लिए नई नई गाइडलाइन जारी कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें 11 मई से 18 मई तक शाम 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। तो वहीं जसपुर प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रहा है, बाजार पूरी तरह बंद है, बेवजह घर से निकलने वालों पर भी पुलिस शिकंजा कस रही है। 7 बजे से पूरा पुलिस फोर्स रोडों पर है, अभी भी रोडों में ही है और कोशिश की जा रही है कि सभी लोग घरों में बने रहें, गाइड करने की कोशिश की जा रही है। अगर नहीं मानेंगे तो फिर इस बार सख्ती से पेश करेंगे। अगर ये मिलते हैं तो जैसे शिकायत मिल रही है हमें, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, कार्रवाई होगी उस पर। तो जैसे जिनमें कुछ लोग एक्सपायर हो रहे हैं तो उनके घर वाले आए थे वो कपड़ा वपड़ा मांगने के लिए, तो हमने भी रिक्वेस्ट की थी तो इसके लिए खोल दो करके। तो ये चीज़ें सामाजिक रूप में से उन लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, बाकी चीज़ें सब बंद हैं। इसमें पूरे कोशिश की जाए, पूरा लॉकडाउन का पूरे पालन किया जा रहा है। प्रदेश में बढ़ रही कोरोना महामारी को लेकर सरकार चिंतित है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने 11 मई से 18 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। केवल आवश्यक दुकानें कुछ समय तक खोले जाने का आदेश दिया गया है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर गरीबों की रोजमर्रा की जिंदगी पर खासा असर पड़ेगा। लॉकडाउन के कारण घरों में ही रहने पर मजबूर गरीबों परिवारों का पालन पोषण करने की चिंता सताने लगी है। इस बार उत्तराखंड पुलिस गरीबों की हमदर्द बनकर उनका साथ देगी। ऑपरेशन मिशन हौसला के तहत गरीब और असहाय लोगों को राशन उपलब्ध करा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। आज हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन हौसला के तहत निर्धन व असहाय लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई है। मेरी मंगलौर की जनता से अपील है कि लॉकडाउन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के देखते हुए अपने घरों में बने रहें, घर से बाहर ना निकलें और कोरोना की गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करें। भविष्य में भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।